बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टूल पेपर हैकर में। मैं सूरत राज, आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम, एलएलबी कुछ भी कर रहा है एनी वे, तो उसके लिए नकल। देखिए वो पहले आप प्रॉब्लम देख चुके हैं कि नकल क्या होता है, यूएफएम पेपर में आखिर क्यों आता है। जब आपका रिजल्ट आएगा उसका स्टेटस दिखाएगा भाई यूएफएम, इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखना, आप किसी भी पेपर में नकल करते पकड़े जाते हैं किसी भी पेपर में, और आपकी वो नकल सत्य पाई गई, ठीक है ना। प्रोफेसर जो लोग होते हैं यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने यदि आपको दोषी पाया गया तो आपके रिजल्ट में पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी आपने पेपर दूंगा उनके नंबर आपको चेक नहीं होती कॉपी, और सीधे आपका जो गोपनीय विभाग में जाती है उसका यूएफएम लग जाता है। और यूएफएम लगने का सिर्फ कारण होता है जब आप चिट पकड़ी जाती है, आप किसी न किसी कारण गलती कर देते हो पेपर में, ठीक है, आप नकल करते हुए पकड़ जाते हो, तो उस वक्त आपका यूएफएम लिख के आता है। यूएफएम हटाने के लिए यूनिवर्सिटी कई एक अलग अलग तरीके से चांस निकालती है, अलग अलग तरीके से टाइप से, मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। पहली बात कर लेते हैं नकल की। नकल जब आपकी पकड़ी जाती है, जब कॉपी में नकल पकड़ी जाएगी, इसको हम यूएफएम भी कह सकते हैं। यूएफएम हो गया भाई, यूएफएम लग गया। सबसे पहला पॉइंट डाल, जब आपको कॉपी पकड़ी जाएगी तो कॉपी सबसे पहले आपको एक कॉपी दी जाएगी, वो दी जाएगी कॉपी बी। ए कॉपी आप पहले से लिखते होंगे, ए कॉपी जमा हो जाएगी और कॉपी बी आपको दे दी जाएगी। आपने जहां तक लिखा है वो आपसे एग्जामिनर बोलेंगे कि आपने जहां तक लिखा है करो, उसके बाद का आप देखिए। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, मैंने दो तीन रिकॉर्डिंग भी कर रखी है अपने फोन में, और साथ ही साथ अभी मैं कॉल पे भी लूंगा बच्चों को जिसने अभी नकल करते हुए पकड़े गए। आप कभी भी नकल को मत करना। यदि आप नकल करने की सोच रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से आप क्या करिएगा, एक यदि आप सोच रहे हैं कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, दिक्कत आ रही है, तो हम डिस्टेंस से एडमिशन ले लो, पढ़ाई करो घर बैठे, कॉपी आपको घर बैठे लिखनी होती है और यूनिवर्सिटी वाले चेक कर देते हैं ऐसे ही, और नंबर मिल जाता है आपको। यदि नकल ही करनी है, समझ रहे हैं ना, पढ़ाई नहीं करनी है तो ये तरीका सही है। आप सीधे डिस्टेंस से एडमिशन लीजिए और पढ़ाई करिए घर बैठे, लो हो गया काम, समझ रहे हैं ना। तरीके बहुत सारे होते हैं, प्राइवेट जैसे छात्र करते हैं ना, यहाँ पेपर स्कूल देने जाना पड़ता है प्राइवेट छात्रों को, लेकिन नहीं, उसको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा पेपर देने, अपने घर बैठे कॉपी को लिख लिया करो, अब जमा हो जाएगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा करा रही है, प्राइवेट जो इतनी भी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात नहीं करो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेना। अब देखो बी कॉपी आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब बी कॉपी को जो ए कॉपी से हम जितना लिखा है उसके बी अगले को बी कॉपी से लिखना होता है, जब नकल आपको पकड़ी जाती है तब। यहाँ नकल पकड़ने की बात कर रहा हूँ, जब आपकी नकल पकड़ी जाएगी तो आपको बी कॉपी देगा। और नंबर दो, कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक कह सकते हैं एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन को आपको साइन करने के लिए बोलते हैं कि भाई इसमें एप्लीकेशन, उसमें लिखा होता है कि आप ये करते हुए पकड़े गए, ठीक है। और नंबर तीन, जब आपको ये पकड़ लोगे, ठीक है, तो बी कॉपी आपको मिल जाएगी, जब आपको साइन वगैरह जो भी प्रक्रिया होती है उनको प्रक्रिया पूरी करेंगे, और आपको उसके बाद आगे लिखने के बोलेंगे कि भैया अब अगले कॉपी जो बी आपको कॉपी दी गई है जितना लिखा है उससे आगे के क्वेश्चन करो। तीसरे पॉइंट में, आपको जब भी ऐसा कभी होता है याद रखिए, तो यही प्रोसेस सबसे बड़ी होती है, बाकी कुछ नहीं, फालतू की चीजें ना होती है। आप कभी भी गाली गलौज मत करना टीचर से, जितनी रिक्वेस्ट हो सके उतनी कर लेना। यदि पकड़े जाते हो, मतलब जितना भी हो सके तो पांच भी पकड़ लो, कोई फर्क ना पड़ता यार, उसमें आप बच सकते हो सकता है आपको, ठीक है ना, तो 1 साल 2 साल आपके बर्बाद होने से बच जाए। ओके, कभी भी ऐसा होता है। अब उसके बाद में देखो, जब नकल पकड़ी जाती है, अब प्रोसेस आती है, बात करते हैं हम लोग इसको बचाव के लिए, हम लोग इसको कैसे बचाव करें, मतलब नकल करते हुए पकड़ गए, अब हमारे पास क्या हुआ, एक लेटर आया, जब उन्हें पेपर हो गए सारे, उसके बाद में आपको तीसरा जो पॉइंट था वो था लेटर का। एक लेटर आपके पास घर आएगा, एक पोस्ट ऑफिस द्वारा आ सकता है, या फिर आपके ईमेल आ सकता है, या फिर आपके पास फोन आ सकता है, ठीक है, फोन भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। या फिर आपके पास एक लेटर आएगा, वो भी पोस्ट ऑफिस द्वारा, पोस्टमैन कह सकते हैं, पोस्टमैन द्वारा आपके पास एक लेटर आएगा। जब पोस्टमैन आपके पास लेटर से देके जाएगा, आप इसको पढ़ेंगे, उसमें रीड करने से आप सब लिखा होगा कि आपने ये किया, और आपको 10 या फिर 15 दिन के अंदर कॉलेज, मतलब सॉरी कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी में अपनी फीडबैक देना होगा, मतलब रिप्लाई देना होगा, जो भी आप अपने बचाव के लिए चाहते हैं। जैसे कि एक कोड होता है, मान लीजिए कोड है, और कोड आपको एक जज ने एक सुना दिया, एक जज है उसने एक, ठीक है ना, कि आप यहाँ अपराधी मान लीजिए, अब यहाँ आपको कुछ देता है, वकील से कहता है भाई प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो कि गलती है नहीं है। इसी तरीके से एक प्रोफेसर बैठा होता है, वो बताता है कि भैया इस गलती को आप, अब आपके तरफ से कोई वकील थोड़ी जाएगा, आप खुद जाएंगे ना, आप खुद कहेंगे कि भाई सर ऐसी बात नहीं थी, नकल नहीं पकड़ी गई, पकड़ी गई थी नकल, वो मेरी नहीं थी किसी और की थी, कुछ ना कुछ अपने बचाव के लिए यहाँ कुछ बयान करेंगे उनके सामने, मतलब उस पत्र के द्वारा ही करेंगे, जो पत्र आप लिख के भेजेंगे।
अपने हैंडराइटिंग में, ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जो आप प्रोफेसर के पास पहुंचती है, प्रबंधक जो होता है वहां पहुंचता है, और उसके बाद में आप वहां से क्या होता है फिर आपको, यदि सच में वो आपके नकल नहीं मिलती होगी तो आपका यूएफएम नहीं लगेगा, कोई आरोप कोई आप पर आपत्ति नहीं है, जाहिर नहीं होगी। यदि आपको मान लीजिए, बोल रहा हूं, यदि आपको मान लीजिए और आपने नकल करते हुए पकड़े गए तो एक साल के लिए या फिर छह महीने का सेमेस्टर भाई, तो छह महीने के लिए रेस्ट्रिगेट हो सकते हो, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आपको क्या करना होगा, मेरे हिसाब से आप क्या करिए, सबसे पहले आप प्रेजेंट, पहले ही जब आप पकड़ी गई है नकल दो नंबर की, जब आपको बी कॉपी जब दी गई थी उसी समय आप क्या करिए, क्या करिए, जितनी भी रिक्वेस्ट करना है कर लीजिए, उतने टाइम बच रहे हो तो बढ़िया है, नहीं बच रहे हो तो आपको तीसरा पॉइंट मिलता है एक रिक्वेस्ट भेजने का, एक फीडबैक भेजने का, जो आप खुद अपने हाथ से एक लेटर लिखेंगे, जो जो आपका जब जहां उसमें एड्रेस लिखा होगा कि आपको किसके पास जाना, उस एड्रेस को सेंड करना है, उनके पास एड्रेस को सेंड करना, मतलब वो एप्लीकेशन को सेंड करना होगा उस एड्रेस पे, या फिर आप खुद यूनिवर्सिटी चले जाइए और किसी भी जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कुछ आप जानते हैं ना, बाहर जो खड़े होते हैं लोग, ठीक है, और एक गेट पे जो होता है चपरासी टाइप का होता है, उससे आप कंफर्म करिए कि सर ऐसी सी बात है और गोपनीय विभाग में कोई ऐसा कर सकता है, तो वो थोड़ी सी मैं जानकारी देंगे, ऐसा करो आप गोपनीय विभाग में जाओ, तो सबसे पहले आप गोपनीय विभाग में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे टीचर से बात करना, सर ऐसी सी बात है, प्लीज रिक्वेस्ट करो, ऐसा मैंने नहीं किया था, फिर भी मेरे लिए मतलब ये चीज जाहिर हो गई और मेरे पास ये लेटर पहुंचा है या ईमेल पहुंचा है, फोन पहुंचा है, आप प्लीज हेल्प करिए, तो वो लोग तुम्हारे कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट सुनेंगे और आपको वो रास्ते से निकालेंगे जिस रास्ते पे आप दलदल में फंस चुके हैं, समझ रहे हैं, और यदि वो दलदल में फंसे हो सच में वो सही है तो वो कुछ नहीं कर सकते, और यदि हो सकता है उनका कुछ रिलेशन होते हैं, मतलब आप तुम सकते हो मैं हूँ, मेरे साथ में कोई काम कर रहा है, टीचर है भाई मेरे ही डिपार्टमेंट का, तो आप समझ सकते हैं वहां मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ना कि यार भाई रहना तो थोड़ा पैसा कर दो, बच्चों को पास कर दो, हटाओ, तो यार वहां सुनी जाती है, सबकी सुनी जाती है वहां आपस में जो भी होता है डिपार्टमेंट, तो आप भी ऐसा करिए, स्टाफ सबकी सुनता है, तो आप एक काम करिए, थोड़ी रिक्वेस्ट किया करो और पहुंच जाओ, यदि ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ है, यदि आप, अब क्या रह गया, अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ सुना देता हूँ और कॉल से भी विवाद करूंगा, वो सेकंड पार्ट में डालूंगा वीडियो, यहाँ मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो कल मैंने हाल ही में रिकॉर्डिंग की है, अब आप खुद देख सकते हो वो बच्चे किस तरीके से, कल था 1 जून और 1 जून को देखिए, 1 जून को एक रिकॉर्डिंग तो ये है, देखिए एक ये लड़की थी, मैं आपको दिखाता हूं, आप सुन लेना, किसी छात्र का यहाँ नाम नहीं लेता हूँ ना ही उसकी लोकेशन सेंड करता हूँ, बस ये जरूर बता देता हूँ, सेम सुम नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत ना है, सेम से मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं उसमें मैंने उसे खोला भी नहीं था, मैंने मतलब मेरा जो एडमिट कार्ड था उसको मैंने ऐसे ही बंद करके रखा था, उसमें से तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो एक एप्लीकेशन आएगी यूनिवर्सिटी की साइड से आपके लिए, नोटिस आएगा एक यूनिवर्सिटी से द्वारा आएगा, तो वहाँ पर देखना होगा। तो ये तरीका होता है, मैंने आपको थोड़ी सुना दिया जो आप समझ सकते हैं कि आपको छात्र कहते हैं कि नकल नहीं होती है, तो बहुत सारी कॉलेज देखो होता है नकल, सब कुछ चलता है, मतलब आपकी ये इंडिया है, इंडिया में सब कुछ चलता है, थोड़ा बहुत सब कुछ चलता है, गलत हो अच्छा हो सब कुछ होता है, तो याद रखिए मैं ये नहीं कह रहा भाई कुछ गलत है, आप थोड़ा रास्ता चेंज भी कर सकते हैं, यदि आप ऐसा ही करना है तो डिस्टेंस से पढ़ाई करिए, डिस्टेंस एजुकेशन को सपोर्ट कर दो, क्या दिक्कत है, घर बैठे पढ़ाई करो, पेपर मतलब कॉपी मिल जाएगी, लिख के भेज दो, कोई दिक्कत ही ना है यार, ये तरीका है अपना अपना, अब आपको क्या करना है वो आपके हाथ में है, किस तरीके से बचाव करना है इसका, बचाव सिर्फ यही है यूनिवर्सिटी जाइए, लास्ट में सिर्फ यही निवारण निकलेगा इसका कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, वहां रिक्वेस्ट करिए और काम आपका हो जाएगा, ठीक है, जो भी मिठाई से हो या फिर फ्री में हो वो आप जानते हैं कि आज के ज़माने में कुछ फ्री में नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना पड़ेगा वहाँ, तो बाकी सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें यार रोकिए और करिए कि भाई ऐसा मत करो,
आप 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं, और मैं आपसे बोल सकता हूँ कि प्रतिबंध आपको पक्का लगेगा यदि आप ऐसी गलती करते हैं, ठीक है। और हो सकता है उतने वक्त यदि आप पूरे देखो साइन करने से पहले, बी कॉपी मिलने से पहले जितनी चाहो रिक्वेस्ट कर लो उनसे, पैर पकड़ना है तो पकड़ लो यार, क्योंकि बचाव आपका है, समझ रहे हैं, लाइफ आपकी खराब होने से बचेगी। सिर्फ 2 मिनट रिक्वेस्ट करने से आप बच सकते हो, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए आपको इस तरीके से देखना है और यही तरीका अपनाना होगा। और लास्ट में यदि वहां नहीं मान रहा है टीचर, एग्जामिनेशन जो भी आपको चेक करने आया है, तो आप सिंपल तरीके से यूनिवर्सिटी जाइए, वहां अपना टाँका बैठा दो, जो भी करना है आपको करो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और जो भी कॉल आते हैं आप कॉल करते हैं बिल्कुल करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको किसी का मैं नाम यहाँ ऊपर नहीं करता हूँ, जिन छात्रों की निकल पकड़ी जाती है, किसी का छात्र का नाम नहीं पूछता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ना मुझे कोई मतलब है भाई नाम क्या है आपका। लेकिन आप सभी छात्रों से कहूँगा कि अनुरोध है हाथ जोड़कर कि आप नकल ना करें। एडमिशन मैं करा सकता हूँ डिस्टेंस से, यदि आपको किसी को करना है, एक लड़का आया था मैंने बताया था आपको, उसमें तो डिस्टेंस से आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, मैं करा दूंगा। तो आपके कुछ नहीं, पेपर आपको एक कॉपी मिलेगी, घर बैठे लिख देना उसको जो भी लिखना होगा, और उसके बाद में आपका नंबर देख लेना कि आपकी मार्कशीट कैसी आई है, ठीक है। तो वैसा कुछ होता है डिस्टेंस से जो छात्र करता है, तो आप कॉलेज में जाना नहीं होगा, आप जाना चाहते तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते कोई इशू नहीं है, मत जाइए, आराम से घर बैठे पढ़ाई करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय।